ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 2 दिसंबर 2024। आज की मुरली के सार में दिव्य महाज्योति शिव बाबा ने आत्मज्योति की स्मृति दिलाते हुए कहा कि तुम आत्म दीपकों को अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। इसमें रोज ज्ञान योग का घृत जरूर डालना है। दिखना है कि आत्म ज्योति कहीं कम न हो जाए, अर्थात आत्मा की लौ शक्ति कम न हो जाए। बाबा कहे इसमें योग बल की ताकत चाहिए, नहीं तो रूहानी दौड़ी में दौड़ नहीं सकेंगे, पीछे रह जाएंगे। फिर बाबा कहे बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सर्व प्रकार की सेवा करनी है। कर्मणा स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। बाबा कहे इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। इस कर्मणा सेवा से एक दूसरों को सुख दे सकते हैं। फिर विशेष नशा दिलाते कहा कि तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो इतनी सर्विस होंगी जो रात को भी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेंगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए, तो बहुत आएंगे राजयोग की शिक्षा लेने के लिए। फिर कहा कि अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी हम फिर से बनने वाले हैं। बाबा कहे वह सूर्य चांद स्थूल में हैं, उनके साथ हमारी भेंट की जाती है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हैं और हम सब बच्चे हैं ज्ञान लकी सितारे। हमको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला है ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको आप समान बनाने के लिए। फिर समान दिलाया कि तुम बीके ज्ञान गंगाए प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो, अभी तुमको ज्ञान योग की रेस करनी है। दुकान अर्थात सेंटर भी संभालना है। जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएंगी उतना तुम दुकान अच्छा संभाल सकेंगे। फिर साथ में बाबा कहे कि यह रूहानी व्यापार कोई विरला ही करे, और कहा यह रूहानी व्यापार सभी कर सकते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं, क्योंकि यह है ज्ञान योग का व्यापार। फिर कहा कि जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं उनको बाबा अच्छा उजूरा अच्छी प्राइस देते हैं, और कहा कि यह रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना सारे कल्प में एक बार संगम पर ही होता है। यह रुद्र यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। बाबा कहे यज्ञ से मनुष्य वातावरण को शुद्ध करते हैं, यहाँ इस महायज्ञ से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। और विशेष कहा कि अनेक रत्नों की खान तो अनेक होती है, लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान सिर्फ संगम पर ही खुलती है। जो बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अपनी झोली भरते हो, जिन रत्नों को कोई भी छीन नहीं सकता। और बाबा कहे ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। फिर विशेष याद के लिए कहा कि तुम बच्चों को यहाँ चुप होकर याद में रहना है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि में बस सुख धाम और शांति धाम याद रहे। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा चुप रहने से मिलता है। बाबा कहे अंतर्मुख होने से ही यह वर्षा पा सकेंगे। बाबा कहे यह याद का मंत्र अति सूक्ष्म है, और कहा इसी याद की अवस्था में रहते हुए शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और अंडरलाइन कराया कि जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना याद का अभ्यास करें। जितना याद में रहेंगे तो अंत मते सौगति होंगी, विकर्म विनाश होंगे। और अटेंशन दिलाया कि तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो सारी परहेज यहाँ करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो चलना बोलना सात्विक चाहिए, आपस में साथियों से बहुत प्यार से चलना है। बाबा कहते हैं गीत भी है ना, पियो पियो बोल सदा अनमोल। और लास्ट में कहा कि तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं, कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहो तो विकर्मों से बचे रहेंगे। और साथ में कहा मुरली रोज सुननी है, बहुतों का कल्याण करना है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें अपने आत्म दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए।
आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर में बाबा कहे, अंतर्मुखता, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेंगे। चलन और बोल चाल भी बहुत सात्विक चाहिए। आज मुरली में गीत बजा, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन ज्ञान रत्नों का दान देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, नष्टो मोहबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में धन संभालने में किसी के बीमार होने से दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्ट मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। आज बाबा ने नष्ट मोहा बनने की विधि बताई कि सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ दो तो नष्ट मोहा सहज बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। अच्छा, मीठे मीठे सके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 2 दिसंबर का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे, आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत हैं, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियाँ अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं से संतुष्ट रहो, फिर सेवा से संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तब ही संतुष्ट मणि कहलाएंगे। आज बाबा ने पुरुषार्थ के लिए लक्ष्य दिया कि कार्य में व्यवहार में संबंध संपर्क में आते हुए लक्ष्य रहे कि मुझे संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।